प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति भवन से निकल चुके हैं। खबर जो हमें मिल रही है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है, यानी कि कैबिनेट ने जो अनुशंसा की थी 17वीं लोकसभा भंग करने की, वो भी स्वीकार ली गई है। तो अब नई लोकसभा बनेगी, 18वीं लोकसभा, नई सरकार बनेगी और दावा कब पेश किया जाएगा अब इसका भी इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि 4 बजे एनडीए की एक बैठक भी है। ये तस्वीरें आपको रायसीना हिल्स की दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का काफिला निकला है। प्रधानमंत्री मोदी इस्तीफा देकर, और यहाँ बता दूँ इस्तीफे में ज़्यादा कुछ खोजने की कोशिश मत कीजिए, ये एक औपचारिकता होती है। अब नई सरकार बननी है तो दावा आज शाम को ही पेश किया जाएगा, कल किया जाएगा, इस पर भी हमारी निगाह रहेगी। लेकिन श्री दत्तन, हम बात कर रहे थे कि सरकार बनाने में अब नीतीश और नायडू के पास जो सत्ता की चाबी है, ये सीमलेस हो जाएगा कहने को कह रहे हैं एनडीए में, या अभी कुछ दिक्कत है? मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। संदीप जी, आप देखिए, वो इसके लिए कोएलिशन चलाने के लिए आपके पास रिसोर्सेस चाहिए होता है। मेरे ख्याल से बीजेपी के साथ वो है और टीडीपी एक हार्ड बारगेनर है। आप देखिए, वो ईजली, बट उनका भी कंपल्शंस देख लीजिए, वहाँ पर उनको वहाँ पर आंध्रा में रहना चाहिए और यहाँ पर रिसोर्सफुल एक जो प्रोवाइड करते हैं वो वैसा वाला एक डिस्पेंसेशन सेंटर में होना चाहिए उनके लिए इंटरेस्ट के हिसाब से। वो इसलिए मेरे ख्याल से नहीं, कुर्बान जो कह रहे हैं कि जेडीयू ने पहले ही कह दिया एक उप प्रधानमंत्री और लोकसभा का स्पीकर तो हमारा होना चाहिए। TDP will be more interested in the resources than the positions and other things. BJP is in मंत्रालय भी तो चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो CCS और CCEA वाले, they may go for finance ministry also, I was told by somebody. निर्मला सीतारमन का कोई विकल्प एक दक्षिण भारत से ही शख्सियत हो सकती है क्या? नहीं, मुझे लगता है मंत्रिमंडल, देखिए पहले तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्रधानमंत्री मोदी ने इस्तीफा सौंप दिया है। अब तीसरी पारी के लिए तैयारी की जा रही है, लेकिन FM की भी तैयारी, मार्केट्स की बड़ी बात हो रही है, एग्जिट पोल के बाद 31 लाख करोड़ का बट्टा बैठ गया वगैरह वगैरह वगैरह, तो मार्केट भी अभी देख रहा होगा वित्त मंत्री कौन। देखिए, ये तो मुझे लगता है संदीप भाई आप भी जानते हैं कि कैबिनेट में कौन कौन होगा, अभी जल्दबाजी होगी, पहले तो ये होगा, उसी की तो बैकएंडिंग होगी अब आज कल परसों जब तक शपथ ग्रहण। मैं वही कहने जा रहा हूँ कि कैबिनेट का स्वरूप क्या होगा अभी ये जानना जरूरी है, कि जो भी सहयोगी दल हैं उनको कितना महत्व मिलेगा, क्योंकि 2014 से 19 के बीच में भी एनडीए की सरकार थी, उस समय सहयोगियों की क्या भूमिका थी और जो 24 का परिणाम आया है उसमें सहयोगियों की कोई भूमिका नहीं थी। अगर मैं ये कहूँ तो मैं ज़्यादा सत्य से दूर नहीं हूँ।